मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज यशिका बना रही है घोस्ट का फेस। दिखाइए यशिका की पूरी, ये खुद बेल के इसने बनाया है आज। ऑल सेट टू गो। बताइए पापा, कहाँ जा रहे हम लोग? जा रहे राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए। भगवान राम का मेरे साथ बाबू है, दीक्षिता है, मेरी मिसेज अभिषेक पांडे है, मेरा पुत्र उपेंद्र है, अभी राकेश आने वाले हैं, अभी वो रास्ते में जा रहे हैं जन्मभूमि में। राम जन्मभूमि दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। पहुंच गए हैं हनुमानगढ़ी और कनक भवन, राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी। मैडम जी ने हमसे गदा लिया, गदा दिखाओ, शो योर गदा। जय हनुमान। हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी और दिखाती हूँ, बहुत भीड़ है और बहुत डिफरेंट रूट लेके हम लोग पहुँचे। यहाँ के लिए पास भी बनाना पड़ता है। ये देखिए, ये है हनुमानगढ़ी और इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। जब हनुमान जी श्री राम के साथ अयोध्या आए थे तो श्री राम जी ने उन्हें यहाँ का राजा घोषित किया था और तब से उन्हें यहाँ हनुमानगढ़ी का के राजा के तौर पे भी जाना जाता है। और ऐसा यहाँ पे सब लोग मानते हैं कि वो रोज़ सुबह 4 बजे यहाँ ज़रूर आते हैं और उनके लिए फूलों की गद्दी यहाँ बनाई जाती है और कहा जाता है कि कुछ समय के लिए वो आके यहाँ पे बैठते भी हैं। के दर्शन को जा रहे हैं तो कहा जाता है कि सबसे पहले आपको यहाँ आके आज्ञा लेना होता है हनुमान जी से, तभी आप राम मंदिर जाएं तो उसे सफल माना जाता है। और ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं फेंसेस लगे हुए हैं, ये इसके अंदर ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अगर आप श्री राम जी के मंदिर आ रहे हैं अपने कार से तो अपने कार का पास जरूर बनवा लें, इससे आप आराम से पहुंच सकते हैं, वरना आपके कार को बहुत पहले रोक दिया जाएगा और आपको बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ सकता है। बस यहीं तक हम रुकेंगे और यहाँ से अलाउ नहीं कर रहे हैं मोबाइल पर्स कुछ भी लेके जाना, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे और तो चलते हैं और बाय। श्री राम जी के दर्शन के बाद हम लोग पहुँचे हैं कनक भवन, और जैसा कि इस भवन का नाम ही कनक है और वो इसलिए भी है क्योंकि ये अपने समय में पूरा का पूरा भवन ही सोने का हुआ करता था और आज के दौर में ये एक अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम जी ने सीता मैया से ब्याह करके जब उन्हें अयोध्या लेके आए थे तो महारानी केकेई ने
उन्हें ये भवन मुंह दिखाई के तौर पर दिया था और ये भवन श्री राम जी और माँ सीता के निजी महलों में से एक था। और हम उन्हें 2 मिनट में मिल जाएंगे और उनके गूगल डेस्टिनेशन के थ्रू और उन्हें ये सरप्राइज मिलेगा और हम लोग जा रहे हैं उन्हें सरप्राइज करने। बहुत अच्छे से हर जगह हमारे भगवान के दर्शन हो गए और बहुत अच्छा लगा यहाँ हर मंदिर में जाके। हर मंदिर अपने आप में बहुत खास है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आपको मिलेगी यहाँ सुनने को जानने को। और उम्मीद की हूँ कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। तो अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।